हेलो किसान फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में पहला खाद कब देना चाहिए तथा कौन कौन से खाद को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अलग अलग अवधि की वैरायटी होती है, कोई 90 से 100 दिन की तो कोई 110 से 120 या उससे ज़्यादा अवधि वाली वैरायटी होती है, तो उसमें पहला खाद कब देना चाहिए सब कुछ डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, आपने अभी तक हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसान भाइयों, धान में कल्ले या फुटाप को बढ़ाने के लिए खाद तो देना ही पड़ता है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई गलती कर जाते हैं, सभी खादों को आपस में मिलाकर अपनी फसल में दे देते हैं। उससे आपको रिज़ल्ट अच्छे से देखने को नहीं मिल पाता है, लेकिन किसान भाइयों आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे बहुत से किसान भाई जिंक को DAP के साथ मिला देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होता है, जिसको आप अपने खेत में अवश्य डालें। किसान भाइयों, पौधे का विकास करने के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। इसको तो खेत में डालना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होते हैं उनको भी डालना आवश्यक होता है। जैसे जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको आपके खेत में ज़रूर डालना चाहिए। जिंक की कमी होने पर पौधे अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जिंक को धान की फसल में अवश्य डालें। जिंक डालने से आपकी फसल हरी भरी व अधिक फुटाव देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं जिंक की मात्रा कितनी देना चाहिए। किसान भाइयों, जिंक की मात्रा एक एकड़ खेत में 5 किलोग्राम जिंक का उपयोग करना चाहिए। आपको बहुत सी कंपनियों का जिंक बाज़ार में देखने को मिल सकता है, जैसे दयाल कंपनी का, श्रीराम कंपनी का और भी अन्य कंपनी के जिंक सल्फेट देखने को मिल जाते हैं। आप कोई भी प्रचलित कंपनी का जिंक ले सकते हैं और आपकी धान में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा NPK खाद का उपयोग भी आपकी फसल में करना चाहिए। आपकी धान की फसल में DAP यूरिया के साथ साथ NPK खाद का भी उपयोग करना चाहिए। DAP में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होता है, जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आपके खेत में सल्फर का भी उपयोग आपके पहले खाद में करना चाहिए। यह भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व होता है, जो पौधों का विकास करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। किसान भाइयों, यूरिया, DAP और सल्फर को अच्छी तरह मिलाकर आप अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। इसमें NPK खाद को भी मिला सकते हैं। धान की रोपाई के 12 से 15 दिनों के मध्य यह खाद को आप दे सकते हैं, लेकिन बता दें कि DAP के साथ जिंक सल्फेट को कभी भी नहीं मिलाना है। जिंक सल्फेट फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर जाता है, अर्थात DAP का असर कम कर देता है। भूलकर भी आप DAP में जिंक को नहीं मिलाना है। जिंक सल्फेट को अलग से यूरिया में मिलाकर डालना चाहिए। एक एकड़ खेत में 8 से 10 किलो यूरिया लेकर उसमें जिंक सल्फेट मिलाकर आपको खेत में छिड़काव करना चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेंगे। आइए अब जानते हैं पहला खाद कब और कितना डालना चाहिए। किसान भाइयों, रोपाई के 12 से 15 दिनों के मध्य आप पहला खाद दे सकते हैं। एक एकड़ खेत में 45 किलोग्राम यूरिया लेना है और 50 kg DAP और 2 किलोग्राम सल्फर और 50 किलोग्राम NPK खाद, इन तीनों चारों खादों को मिक्स करके आप एक एकड़ खेत में डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से यूरिया में मिलाकर आप दे सकते हैं, जिससे आपकी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और कल्ले की संख्या भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, यह खाद का शेड्यूल आपके धान की वैरायटी पर भी निर्भर करता है। किसी वैरायटी की अवधि 90 से 100 दिन की होती है तो किसी 110 से 120 दिनों की होती है।
किसान भाइयों, आपको अपने हिसाब से वैरायटी के हिसाब से यह खाद देना है। यदि आपकी फसल कम अवधि वाली वैरायटी की है तो यह खाद आप 12 से 15 दिनों के मध्य दे सकते हैं, और यदि आपकी खाद 120 या उससे ज़्यादा दिन की है तो आप 15 से 20 दिन में यह पहला खाद आपकी धान की फसल में दे सकते हैं, जिससे आपकी फसल हरी भरी और अच्छी देखने को मिलेगी, अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, यह जानकारी धान में पहले खाद की जानकारी दी है। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।